सामने मेट्रो का ब्रिज है। यहाँ पर भी फकीर होते हैं लेकिन पीछे नहीं पड़ते हमारे इंडिया की तरह, एक जगह बैठे रहते हैं। हंड्रेड कॉटन, प्योर कॉटन। ये जेब्रा क्रॉसिंग है, सब वेटिंग में खड़े हैं, जैसे सिग्नल होगा क्रॉस करेंगे। अगर आप यहाँ करके मेरे चैनल के थ्रू आएंगे तो कुछ इंशाल्लाह डिस्काउंट भी कर देंगे इंशाल्लाह, है ना असलम भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इलहम भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई है, महंगाई का आलम इतना है कि आपने बताया ये रोज़ हिल का एरिया है, यहाँ पर एक बोतल पानी कितने का है? 30 रुपीज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक नया दिन, एक नया व्लॉग, आप तमाम को फिर से एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है सब हजरात खैरियत से होंगे, अल्लाह करे आप लोगों का दिन अच्छा गुजरे, मेरा भी दिन अच्छा गुजरे। तमाम दोस्तों से फिर से गुजारिश है कि चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज मैं आया हुआ हूँ मॉरिशस के एक फेमस टाउन रोज़ हिल के अंदर। ये मॉरिशस का रोज़ हिल है और ये बड़ा टाउन है, यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स हैं और यहाँ पर बाज़ार भी लगते हैं। ये सामने मेट्रो का ब्रिज है। यहाँ पर भी फ़कीर होते हैं लेकिन पीछे नहीं पड़ते हमारे इंडिया की तरह, एक जगह बैठे रहते हैं इस तरह। यहाँ देखो रास्ते पर सब्जियाँ बेचने के लिए खड़े हैं। हंड्रेड कॉटन, प्योर कॉटन। या धनिया पत्ती, कोतमीर सब्जी, छोटे मोटे फ्रूट्स, कुछ शोरूम्स हैं यहाँ पर। ये बाटा का शोरूम है। सामने है HBL हबीब बैंक, इधर मॉरिशियस सेंट्रल बैंक। ये जेब्रा क्रॉसिंग है, सब वेटिंग में खड़े हैं, जैसे सिग्नल होगा क्रॉस करेंगे। दोनों तरफ पब्लिक के लिए चलने के लिए बहुत अच्छी जगह है, पब्लिक फुटपाथ। ये पुराने ज़माने की साख्त का बना हुआ ये रेस्टोरेंट है और ये चाइनीज़ है। फ़िलहाल अभी रेड सिग्नल है तो मैं वेट करूँगा। सामने जो नज़र आ रहा है आपको शॉप प्लस वेयर बॉटिक कंपनी लिमिटेड, ये मेरे एक दोस्त का शॉप। तो आप कभी भी मॉरिशस आपका आना हो और आपको शॉपिंग करना हो तो आप इस शॉप में जा सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर आपको आइटम्स मिल जाएगी। कपड़े हैं, जूते हैं, कोट्स हैं, जैकेट्स हैं और जींस की मुख्तलिफ किस्में हैं, वो आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको विज़िट करवाता हूँ, अंदर जाके मिलते हैं हमारे दोस्त एहसान भाई से। ये हमारे खास दोस्त हैं एहसान भाई और इनके बड़े भाई भाई। तो आप मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स कभी मॉरिशस आए, यहाँ पर अगर आपको शॉपिंग करना है तो ये जैसे मैंने शुरू में बताया था कि रोज़ हिल मेन टाउन है और यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स हैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे किस्म के यहाँ पर जूते, कपड़े, जींस ये आपको मिल जाएंगे और इंशाल्लाह आप हाँ और ये सारे कोट्स, ब्लेजर्स, सारे सब कुछ। और इंशाल्लाह अगर आप यहाँ करके मेरे चैनल के थ्रू आएंगे तो कुछ इंशाल्लाह डिस्काउंट भी कर देंगे इंशाल्लाह, है ना असलम भाई, है ना। अगर कोई मेरे चैनल के ज़रिए से आता है तो आप कुछ डिस्काउंट कर देंगे ना इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला आपको खूब बरकत नसीब फरमाए। तो ये हमारे दोस्त का शॉप है असलम भाई का, असलम भाई और एहसान भाई माशाल्लाह। आज इन्होंने बुलाया था कि थोड़ी देर आइए और कुछ देर यहाँ पर गुजारिए हमारे साथ, चूँकि ये मेरे पुराने ताल्लुक वाले हैं तो इस साल मैं ज़रा दूर रुका हुआ हूँ तो इनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी बहुत दिनों से। तो इनके फ़ोन आ रहे थे कि आप आइए एक मरतबा आइए, तो फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। तो ये इनका शॉप है माशाल्लाह, यहाँ पर बहुत ही आला क्वालिटी के शूज़ भी हैं और शर्ट्स भी हैं, कपड़े भी हैं,
आप देख सकते हैं बहुत अच्छा शॉप है ये। मेन टाउन जो है रोज़ हिल का, वहीं पर इनका शॉप है। ये सामने एक बड़ा इलेक्ट्रिक शोरूम भी 361। इनकी शॉप में जो है वो कोट जो है, ये सारे कोट्स हैं, ये बहुत ही आला किस्म के हैं माशाल्लाह। ₹1,050 या मॉरिशियन, ₹1,050 मॉरिशियन रुपीस, ₹1,051 नहीं, आपको 1,000 से लेकर के 1,200-1,500 तक में बहुत ही आला किस्म की पैंट्स यहाँ पर मिल जाती है। ये सारी कलर्स भी अवेलेबल है और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है ना, 1,000 1,000 1,000 जी। हाँ, ये सारी जींस हैं 975 से चौम्बे जी, ये सारे बेल्ट है और यहाँ पर ये सारे वॉलेट्स हैं। देखो एक और दोस्त मिल गए हमारे माशाल्लाह, हमारे बिलाल भाई। हाँ, इनकी शादी हुई है मराकेश मोरक्को, है ना, तो हर साल ये चाय पिलाते हैं मराकेश की स्पेशल बना करके, तो इस साल मौका नहीं मिला है तो ये दावत दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह एक दिन मराकेश की चाय पियेंगे और आपको भी बताएंगे मराकेश की मोरक्कन असली चाय कैसी होती है, है ना। फॉर यू जी इंशाल्लाह 26 रोज़ा नाइट आई एम कमिंग इंशाल्लाह। ओके, तो यहाँ पर इस तरह के कपड़े के बहुत ज्यादा शॉप्स हैं। ये लेडीज हैं, यहाँ पर बाजार सुबह जल्दी खुलते हैं, शॉप्स सुबह जल्दी खुलती है और जैसे ही जोहर का वक्त होता है 2 बजे आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाती है। बहुत सारी शॉप्स तो देखो बंद भी हो चुकी है। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हमारे दोस्त हैं इल्हम भाई और इनकी शॉप का नाम है मिलियन जींस। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इनकी और हमारे जो एहसान भाई की शॉप थी उन दोनों की मैं आपको लिंक में लोकेशन और एड्रेस भी डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर भी विज़िट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। पहले ऐसा होता था कि यानी मॉरिशियस का 1 रुपया हमारे इंडिया के 2 रुपये बनते थे, लेकिन अब थोड़ी इंडिया की करेंसी अप हुई और अभी हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो मॉरिशियस का 1 रुपया तो इंडिया का बनेगा 1 रुपया और 75 पैसा, 2 रुपये। पहले 2 रुपये मिलते थे, अभी 2 रुपये हो गए। तो यहाँ पर दुकानों का एक माहौल है, मामूल है कह सकते हैं कि यहाँ पर हफ्ते में सिर्फ 2 दिन यानी सैटरडे और संडे, संडे के दिन भी खुला रहता है, क्लोज है ना हाफ डे, और सैटरडे भी संडे फुल। हाँ, सैटरडे का दिन ऐसा होता है कि अक्सर जो है वो जॉब वाले होते हैं उनकी छुट्टी होती है, तो लिहाजा देर तक बल्कि पूरा दिन शॉप्स खुले रहते हैं, और संडे को अक्सर हाफ दिन होता है तो हाफ दिन खुले रहते हैं। और उसके अलावा पूरे हफ्ते में जितने दिन हैं उसमें यहाँ पर अक्सर दुकानों का जो टाइम टेबल है वो ये है कि सुबह 7-7:30 बजे जल्दी शुरू हो जाते हैं, थर्सडे को वन ओ क्लॉक को बंद हो जाते हैं, यानी समझ लो आम मामूल यहाँ का ये है कि सुबह जल्दी दुकान खुलती है और संडे को काम जाना है, और शाम को जल्दी बंद हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि लोग यानी जो ज़रूरत का वक्त है वही यहाँ पर खर्च करते हैं शॉपिंग में, इस तरह यानी बाज़ारों में और दुकानों में वक्त ज़ाय करना और फालतू जो है वो टाइम ख़राब करना, यहाँ पर ये इन चीज़ों में ज़्यादा लोग नहीं मानते बल्कि आते हैं और अपनी ज़रूरत का जो टाइम है, जो ज़रूरत की चीज़ लेनी है उतना ही टाइम स्पेंड करके फिर फौरन घर की तरफ लौट जाते हैं। तो अब कस्टमर की जो सोच है वो माशाल्लाह अच्छी है कि वो गैर ज़रूरी टाइम बाज़ार में जो चीज़ लेनी है वही लेकर के अपना उस दुकान से चले जाते हैं जितना जल्दी हो सके अपना काम या अपना घर। तो अब फिर दुकानदारों की भी आदत फिर उसी तरह की हो गई है कि वो भी फिर जैसे ही काम ख़त्म होता है और ऐसा होता है कि अब कस्टमर आने वाले नहीं है तो फिर वो शॉप
क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर टोटल किड्स के और जेंट्स के सारे कपड़े हैं, माशाल्लाह। हाँ, ये बहुत खूबसूरत है, ये विंटर के लिए है, इसका कलर बहुत प्यारा है। इलाम भाई, अगर मेरा चैनल देख कर मेरा व्यूवर्स, तो आप उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर देंगे ना? हाँ, डिस्काउंट करूंगा। हाँ, जरूर, इंशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी खूब बरकत नसीब फरमाए। ये सारा माल आपका कहाँ से आता है? थाईलैंड से? चाइना से भी आता है, थाईलैंड से भी आता है। ये हमारे इल्हम भाई ने संभाल के रखा है, 10 रुपये का पुराना नोट। ये अब बंद हो गया है, बंद हो गया। अब नहीं चलता, अब सीधा 25 रुपीज़ का नोट है। ये बैंक ऑफ मॉरिशियस। हमारे इल्हम भाई ने यहाँ पर पैसे रखे हुए हैं, ये मॉरिशियस की करेंसी है ना, मतलब वो ही मैं कह रहा हूँ, ये असली पैसे नहीं है, ये शो के लिए है। इतना बड़ा नोट कहीं नहीं चलेगा मॉरिशियस में। तो ये 2000 का नोट है और ये 50 रुपीज़ का है। तो दूसरे यहाँ सबसे बड़ा जो नोट है वो 2000 है, उसके बाद 1000, और उसके बाद फिर 500, उसके बाद 200, फिर 150 और 25। फिर कॉइन आता है, 25 से कम में नहीं है, है ना? ये ब्लैक है ना? ये यार, ये ऐसा है कि विंटर में भी काम देगा और बारिश में भी काम देगा, है ना? इस तरह का मटेरियल है इसका। तो क्या प्राइस है इसकी? 875 मॉरिशियन रुपीस। हाँ, और ये जो सामने है, ये बहुत प्यारा है, इसका क्या भाव है? इसका रेट 975। हाँ, सुभान अल्लाह, ये भी स्पोर्ट्स कलर है। हमारे इल्हम भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई है, महंगाई का आलम इतना है कि आपने बताया ये रोज़ हिल का एरिया है, यहाँ पर एक बोतल पानी कितने का है? 30 रुपीज़। कितना? 1 लीटर, 2 लीटर? 1.5 डेढ़ लीटर का एक पानी का बोतल 30 रुपीज़। 30 मॉरिशियन रुपीज़, यानी इंडिया के हिसाब से समझो 50 से 55 रुपये बनते हैं।